नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अभिव्यंजनावाद। किसका है? क्रोचे का है अभिव्यंजनावाद। देखिए, साधारण तरीके से इसे समझिए। अभिव्यंजनावाद से तात्पर्य क्या है? अभिव्यक्ति। किसकी? काव्य के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति, जो हमारी सहज अनुभूतियाँ हैं उसकी अभिव्यक्ति। क्रोचे इसके बारे में क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम परिचय देखते हैं किसका, क्रोचे का। क्रोचे की अगर बात करें तो उनका पूरा नाम बेन दे तो क्रोचे हैं। ये आत्मवादी दार्शनिक हैं। इनका जन्म इटली में हुआ था, और कब हुआ? 1866 ईस्वी में। इनका निधन हुआ 1952 ईस्वी में। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है? एस्थेटिक, जो कि दो भागों में प्रकाशित है। 1902 इसका समय काल है किसका, प्रकाशन का। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अभिव्यंजनावाद के नाम से जाने जाता है। बेंदोते क्रोचे इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य सिद्धांत की व्याख्या की है, और इनकी जो ये व्याख्या है वो अभिव्यंजनावाद या एक्सप्रेशनिज्म के नाम से प्रसिद्ध है। अभिव्यंजनावाद का मूल स्रोत वस्तुतः स्वच्छंदतावाद की उस प्रकृति में है जो रूढ़ी परंपरा, नियम आदि का विरोध करती है। यानी हम किसी भी रूढ़ीवादी परंपरा में या नियम में बंधकर अपने भावों की अभिव्यक्ति ना करें। स्वतंत्र रूप से सहज अनुभूति को हम अभिव्यक्ति जो देते हैं वो क्या है? अभिव्यंजनावाद है। इसके बाद अगर इसका उद्देश्य देखें कि अभिव्यंजनावाद का मूल उद्देश्य क्या है, कि साहित्य में आत्मा की अंतः सत्ता स्थापित करना। साहित्य के भीतर, साहित्य में आत्मा की अंतः सत्ता, यानी जो हमारी आत्मा भीतर से अनुभव करती है उस भाव को स्थापित करना ही अभिव्यंजनावाद का मूल उद्देश्य है। इसके विशेष तथ्यों की अगर बात करें तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास करता है। यानी कलाकार जब कला करता है या अपनी कला को उकेरता है तो उस कला के पीछे मूल तत्व क्या है उसको खोजने का प्रयास अभिव्यंजनावाद करता है। कला का वास्तविक तत्व क्या है अथवा उसकी आत्मा क्या है, इस विषय में क्रोचे ने अपना विवेचन प्रस्तुत किया है जिसे अभिव्यंजनावाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ दो बातें हैं कि एक तो वास्तविक तत्व क्या है या उसकी आत्मा क्या है। इन दो प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास अभिव्यंजनावाद में किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रक्रिया के बारे में जानें तो क्रोचे की मान्यता है कि अभिव्यंजना ये मानसिक व्यापारों पर आधारित है। यानी अंदर की प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। इन मानसिक व्यापारों को, ये व्यापार से तात्पर्य क्या है? कार्य, क्रिया। इसको हम दो श्रेणियों में या दो कोटियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है? सैद्धांतिक या मानसिक, और दूसरा क्या है? व्यवहारिक क्रिया। जो सैद्धांतिक या मानसिक क्रिया है इसके भी इन्होंने दो भेद माने हैं। पहला है सहज बोध। सहज यानी जो स्वाभाविक है, जो भावनाओं से जुड़ा है, भावात्मक बोध हम इसे कह सकते हैं। दूसरा है बुद्धिक या बौद्धिक बोध, जो विचारों से जुड़ा है। यहाँ पर सहज बोध में भाव प्रधान है और बुद्धि बोध में या बौद्धिक बोध में विचार प्रधान है। दूसरा, व्यवहारिक क्रिया के भी इन्होंने दो भेद माने हैं। देखिए, यहाँ दो हमने सबसे पहले इसकी दो श्रेणियाँ की, दो कोटियाँ कौन सी है? एक तो सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। जो सैद्धांतिक है इसके दो भेद माने, सहज बोध और दूसरा क्या है, बौद्धिक बोध या बुद्धि बोध। व्यवहारिक क्रिया के भी हमने दो भेद माने, एक तो नैतिक क्रिया और दूसरा क्या है, आर्थिक क्रिया। तो व्यवहारिक क्रिया के भी इन्होंने दो भेद स्वीकार किए हैं, नैतिक क्रिया और आर्थिक क्रिया। देखिए, यहाँ पर ये मानते हैं कि अभिव्यक्ति के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? सहज अनुभूति है, जिसके माध्यम से कलात्मक निर्माण होता है। यानी कला का निर्माण कब होगा? जब कलाकार के मन में सहज भाव से कुछ अनुभूतियाँ आएगी, तभी कला का निर्माण हो सकता है। क्रोचे ने विचारात्मक क्रिया का संबंध तर्कशास्त्र से, और आर्थिक क्रिया का संबंध अर्थशास्त्र से, और नैतिक क्रिया का संबंध नीति शास्त्र से माना है। देखिए,
जो क्रोचे ने कोटियां निर्धारित की है उसमें एक सहज अनुभूति की थी जो कलाकार की स्वाभाविक अनुभूति है, दूसरा हमने बौद्धिक क्रिया जो माना था जहाँ पर विचारात्मक अनुभूति या विचारात्मक क्रिया कार्य करती है उसका संबंध किससे है, तर्क शास्त्र से, जहाँ हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। उसके बाद जो आर्थिक क्रिया जो हमने दो भागों में इसका विभाजन किया था, ये विभाजन मैं आपको बता चुकी हूँ। जो व्यवहारिक क्रिया का हमने दो भागों में विभाजन किया था, एक तो नैतिक और दूसरा क्या है आर्थिक। इस विभाजन की अगर हम बात करें तो आर्थिक क्रिया का संबंध इन्होंने अर्थशास्त्र से माना है और नैतिक क्रिया का संबंध किससे माना है, नीति शास्त्र से। तो क्रोचे के अनुसार सहज ज्ञान या अभिव्यंजना ज्ञान का प्रथम सोपान है। सोपान का मतलब सीढ़ी। जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं उस ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज जो स्वाभाविक रूप से ज्ञान हमें प्राप्त होता है या जो अनुभूतियां हमें मिलती है वो उस ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी के रूप में देखा है। बुद्धिजन्य ज्ञान उसके बाद आता है, यानी बुद्धि से जो देखिए पहले स्वाभाविक ज्ञान है, फिर जब बुद्धि विचार करती है तब वो ज्ञान प्राप्त हमें होता है। देखिए मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, एक साधारण सी बात समझिए कि हम पानी के हाथ लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि पानी ठंडा है पानी गर्म है, फिर विचार कौन करता है, बुद्धि तो करती है। पानी गर्म हो सकता है ठंडा हो सकता है, ये सहज रूप से हमें ज्ञान मिला, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, बुद्धि विचार करेगी कि उसमें वो उसके पीछे कारण क्या है, उसकी जो स्थिति है उसके पीछे कारण क्या है। तो विचार क्या होता है, बाद में आता है, पहले हम अनुभव करते हैं, आसानी से सहज रूप से हमें स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद हम उस पर विचार करते हैं, तो बुद्धिजन्य ज्ञान उसके बाद आता है। देखिए जो क्रोचे हैं ये कलात्मक निर्माण की चार श्रेणियां मानते हैं, यानी कला का निर्माण कैसे किया जाता है उसको इन्होंने चार भागों में विभाजित किया है। पहला है अंतः संस्कार। जब दृष्टा किसी वस्तु को देखता है तब उसके चित्त पर कुछ संस्कार पड़ता है, चित्त यानी हृदय मन पर कुछ प्रभाव पड़ता है। संस्कार का मतलब क्या है, प्रभाव, यानी भीतर से जो प्रभाव स्पष्ट हो। देख हमने किसी वस्तु को देखा तो हमारे मन पर उस वस्तु को, चाहे वो सुंदर है चाहे वो असुंदर है, चाहे उसका रूप कैसा भी है, उस वस्तु की स्थिति कैसी भी है, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, सबसे पहले मन पर। तो क्या है, इसकी पहली श्रेणी मानी है इन्होंने अंतः संस्कार की। दूसरी मानी है अभिव्यंजना। इन संस्कारों को के जागृत होने से मन ही मन इसकी आंतरिक अभिव्यक्ति होने लगती है जो क्या कहलाती है, अभिव्यंजना कहलाती है, यानी सहज अनुभूति कहलाती है। देखिए हमने किसी चीज़ को देखा, मान लीजिए एक कवि एक कविता लिखना चाहता है, उसने सबसे पहले किसको देखा, किसी उड़ते हुए पक्षी को, सुंदर बगीचे को देखा, उसको देखकर उसके मन पर उसका प्रभाव पड़ा, उसकी सुंदरता का प्रभाव पड़ा, उसके बाद उससे प्रभावित होकर वो उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति यानी मन ही मन में अंदर ही अंदर कुछ भाव अभिव्यक्त होने लगते हैं, यानी मैं इसकी सुंदरता को इन शब्दों में बांध दूंगा, इसकी ये पंक्तियां बनाऊंगा, इसकी ये पंक्तियां बनाऊंगा, भीतर ही भीतर वो एक काव्य की रचना करने लगता है। उसके बाद क्या है, अनुषांगिक आनंद। इसमें दृष्टा के मन में एक प्रकार का सौंदर्य बोध होता है जिससे आनंद की उत्पत्ति होती है, यानी भीतर ही भीतर उसे एक अपने काव्य के प्रति, अपने जो उसने दृश्य देखा उसके प्रति उसके सुंदरता का अनुभव होने लगता है, और उसको देखकर उसके मन में क्या होगा, प्रसन्नता का भाव। मान लीजिए कोई कवि एक काव्य की रचना करना चाहता है, उसने सुंदर दृश्य को देखा, उसके बाद उसके लिए उन्होंने कुछ पंक्तियां निर्धारित की, अपने भीतर ही भीतर सोचा और वो आनंदित हुआ कि मैं एक इतनी सुंदर कविता की रचना कर दूंगा, तो उसके मन का ये विचार है, उसके भीतर ही भीतर वो आनंद उसका अनुभव कर रहा है। और आखिर में क्या होगी, उसकी अभिव्यक्ति, कि जब अभिव्यंजना आंतरिक ना रहकर शब्द आदि के माध्यम से स्थूल रूप में प्रकट हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे, अभिव्यक्ति कहेंगे। यानी जब काव्य शब्दों का रूप लेकर जो उस अभी तक मानसिक प्रक्रिया थी, अब उसने शाब्दिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे शब्दों का रूप देकर उस काव्य को एक कागज़ पर अंकित कर दिया है, तो वो क्या है, उसकी अभिव्यक्ति है। किसकी, जो उसने पहला दृश्य देखा, जिसको देखकर उसके मन पर कुछ प्रभाव पड़ा, अब उन प्रभाव ने जो उसका जो प्रभाव था, अब उस प्रभाव ने शब्द के रूप में एक नया आकार ले लिया है, एक नई स्थिति स्थूल रूप उसने प्राप्त
कर लिया है, और वो क्या है, वो सभी के लिए है, वो उसकी अभिव्यक्ति वो काव्य के माध्यम से समाज के लिए उसने अभिव्यक्त किया, किसको, अपने भावों को जो उसने अंदर ही अंदर अनुभव किए। तो यहाँ पर किसी भी कलाकार की या कलात्मक निर्माण की चार श्रेणियाँ मानी है। कला कोई भी हो सकती है, मैंने यहाँ पर काव्य की बात की है, लेकिन कोई भी कलाकार, जैसे मान लीजिए कोई कलाकार एक सुंदर चित्र बनाना चाहता है, वो उस चित्र को कहीं पर एक सुंदर दृश्य देखता है, उस दृश्य को देखकर उसके मन पर प्रभाव पड़ता है, उसके बाद वो उसके अंदर ही अंदर उसका उसकी रचना करने लगता है, भीतर ही भीतर उसे ध्यान आता है कि मैं इस चित्र में ये रंग लगाऊंगा, ऐसा पेपर मैं प्रयोग करूंगा, इस प्रकार की ब्रश से मैं इसका सुंदरता इसको दूंगा, यहाँ पर मैं हरा रंग डालूंगा, पीला रंग लगाऊंगा, इस तरह से आखिर में वो खुश हो जाता है कि मैं इस तरह से अगर बनाऊंगा तो मेरा एक सुंदर चित्र तैयार हो जाएगा। यहाँ तक जो चल रही है मानसिक प्रक्रिया है। इसके बाद वो उसका उसकी अभिव्यक्ति करता है, जब उसके पास एक कागज़ है, उस कागज़ पर उसने अपना चित्र बना दिया है और वो चित्र कोई भी देख सकता है, लेकिन उसमें अभिव्यक्ति किसकी है, उस कलाकार के भावों की, उस कलाकार के अंतः संस्कारों की अभिव्यक्ति उस कागज़ पर उसने कर दी है, जो कि अंतिम श्रेणी कही जा सकती है कलात्मक निर्माण की। अब बात करते हैं कि करोचे के अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है या मान्यताएं क्या है। देखिए, करोचे ये मानते हैं कि कला सहज अनुभूति है तथा सहज अनुभूति को ही इन्होंने क्या कहा है, अभिव्यंजना कहा है। अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है, यानी हम स्वयं, हमारे मन में वो विचार उत्पन्न होते हैं, स्वयं से प्रकाशित होता है, ऐसा ज्ञान है जो स्वयं हमारी मानसिक प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। ये एक मानसिक क्रिया है तथा इसमें अध्यात्म की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि काव्य या कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी इसको माना है। ये अखंड है, इसे वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ये आंतरिक प्रक्रिया है। कला कला के लिए है, कला स्वयं साध्य है, अपने आप में ये साध्य है, उद्देश्य है। क्रोचे की मान्यता है कि कलाकार के लिए सुंदर और असुंदर कोई भेद नहीं होता। उसके जो मानसिक प्रक्रिया में किसी वस्तु को लेकर, किसी स्थान को लेकर, किसी दृश्य को लेकर जो विचार है वो सुंदर भी हो सकता है और असुंदर भी हो सकता है, लेकिन कलाकार इन दोनों बातों पर महत्व नहीं देता। कल्पना सौंदर्यभूति का अनिवार्य तत्व है और यहाँ पर मानते हैं कि कल्पना के माध्यम से ही सौंदर्य की अनुभूति होती है और ये उसका अनिवार्य तत्व कहा जा सकता है। काव्य लेखन अथवा कला सृजन की प्रक्रिया को इन्होंने चार भागों में बांटा है, वो आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं, अंतः संस्कार, अभिव्यंजना, आनंद और अभिव्यक्ति। ये चारों जो इसमें क्या है, आठवां पॉइंट आप बना सकते हो कि सृजन प्रक्रिया को इन्होंने चार भागों में विभाजित किया है, ये भी इसकी एक खासियत है, एक विशेषता है। जो सुंदर और असुंदर की बात है, यहाँ पर कलाकार के मन में अगर किसी भी वस्तु को, स्थिति को, दृश्य को लेकर जो बिंब उपस्थित होता है, उस बिंब में जिससे वो कल्पना करना शुरू करता है, उसके लिए यहाँ सुंदर और असुंदर का कोई भेद नहीं होता। तो ये क्या है, अभिव्यंजनावाद की विशेषताएं हैं या मान्यताएं हैं, इन्हीं पर अभिव्यंजनावाद आधारित है। अब बात करते हैं कि इसमें दोष या कमियां क्या है। देखिए, सभी जो विचारक हैं वो किसी भी विचार से पूर्णतः सहमत नहीं होते, तो कुछ विचारकों ने यहाँ पर इसमें कुछ दोष और कमियां भी ढूंढी हैं। वो क्या कहते हैं कि करोचे की दृष्टि में सहज अनुभूति, कला तथा अभिव्यंजना एक ही है। यानी सहज अनुभूति क्या है, वो कला या उसकी अभिव्यक्ति, दोनों को इन्होंने एक ही माना है, लेकिन कुछ इस विचार से सहमत नहीं है। ये सिद्धांत आत्मपरक है, इसी आधार पर इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई है। यानी आत्मपरक, भीतर ही भीतर, आंतरिक प्रक्रिया माना है, इसीलिए इसकी आलोचना हुई है। दूसरा क्या है, कला और शैली तथा कला व आस्वादन प्रक्रिया को एक ही माना है। कला और उसका आनंद लेना, कला और उसको करने के जो तरीका या शैली है, ये एक ही प्रक्रिया माना है करोचे ने, लेकिन विद्वान इससे भी सहमत नहीं है। तो ये कुछ आप तीन पॉइंट यहाँ पर बना सकते हो जो इसकी दोष या कमियाँ कह सकते हैं अभिव्यंजनावाद की। उसके बाद अगर हम देखें, इसकी कुछ उपलब्धियाँ भी हैं।
हिंदी की दृष्टि से देखें तो हिंदी में क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद को अगर भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहें तो इसे वाग वैचित्र्यवाद भी कहा जा सकता है। वाग वैचित्र्यवाद क्या है? वाणी को विचित्र रूप से प्रकट करना। तो इन्होंने कहा है कि जो भारतीय साहित्य में वक्र उक्ति यानी वक्रोक्तिवाद है, उसे अगर पाश्चात्य दृश्य विलायती उत्थान यानी पाश्चात्य दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसे वाग वैचित्र्यवाद भी कहा जा सकता है। तो ये करोचे का अभिव्यंजनावाद था। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप जैसे और विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।